कलमे का एहसास कि जब ये कलमा दिल में उतर जाएगा तो अल्लाह इसको अपने नजदीक ऐसी कुर्बत अता फरमाएंगे जिसको ये खुद महसूस करे। वो जब नहीं कि जब कलमा इखलास पढ़ा इसलिए बुनियादी चीज कलमे अव्वल के अंदर सहाबा इकराम इस कलमे को लेकर हरकत में ईमान और आमल इन्नमा इमामुना अला ईमान और आमल पलक झपकने के बराबर भी ईमान के अंदर ज़ोर आ जाए ये सहाबा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पलक झपकने के बाद बराबर क्योंकि वो खुद आपस में तस्किरा कहा करते थे। अब्दुल रहमान बिन औफ ने फरमाया करते थे कि ईमान के एतबार से थोड़ी सी वक्त हमें अल्लाह से दूर कर देगी, हमें अल्लाह से दूर। इसलिए उनके नजदीक ये कलमा सबसे ज्यादा इसके ऊपर मेहनत इसकी हिफाजत ये कलमा पलक झपकने के बराबर भी ईमान पलक झपकने के बराबर भी हमसे दूर। इसलिए मस्जिद के अंदर रहते हुए ईमान के हत्ते, घर के अंदर रहते हुए ईमान के हत्ते, कारोबार के अंदर रहते हुए ईमान के तस्करे, और जहां आपस के अंदर मेलजोल वहां सिर्फ ईमान के ही तस्करे। सहाबा का ये मामूल था, वो आपस में एक दूसरे से कहा करते थे कि आप खैरियत से हैं, उनका ये कहना कि आप खैरियत से हैं उसका मतलब ये हुआ करता था कि जो दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं और जिस दीन पर हम चल रहे हैं, वो जो दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उस दीन पर आप बाकी हैं, ये उनकी खैरियत। इसलिए आप और आपके सहाबा ईमान के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ईमान के एतबार से मुतहरिक बार बार करते, बार बार ईमान के दस्ते कि ईमान ये बहुत जल्दी निकलने वाली चीज है, बहुत जल्दी निकलने वाली चीज। जिस तरह बदन के ऊपर से कुर्ता उतारने में जितना वक्त लगता है उससे ज्यादा उससे पहले ईमान इंसान के दिल से निकलता है। इसलिए ईमान के अंदर अगर जोर से इंसान अमल के अंदर इखलास ला ही नहीं सकता अगर ईमान के अंदर जोर से, क्योंकि जोर ईमान इसके अमल को मुखलिस रखे कि इसका अमल मुखलिस हो नहीं सकता, इसका अमल मुखलिस हो नहीं सकता। इसलिए बुनियादी चीज के ईमान अल्लाह से मांगा जाए, ईमान अल्लाह से मांगने की चीज है, ईमान अल्लाह से मांगने की चीज कि अल्लाह हकीकत वाला ईमान अता फरमा, वो ईमान अता फरमा जो ईमान तुमने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को और सहाबा इकराम को वो ईमान दिया था, वो ईमान ईमान मांगने की चीज। हम अपनी दुआओं में सारी चीजों से सबसे पहले ईमान मांगे, अगर ईमान ना मांगा तो ये हाथ भी अल्लाह के सामने उठ गई, हाथ भी अल्लाह के सामने उठ गई, क्योंकि ईमान मिल गया तो मोमिन बन गया, और अगर ईमान नहीं है तो जाहिर में एक शक्ल है और शक्ल से कुछ होता नहीं, शक्ल से कुछ होता नहीं। इसलिए मेरे लिए हम सबके लिए जरूरी है कि हम जिस माहौल के अंदर हो जहां हो ईमान को मुकद्दम रखें, करने वाली जात
अल्लाह की है, करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह से होता है अल्लाह के देर से नहीं, अल्लाह से होता है अल्लाह के देर से नहीं। इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, नफा अल्लाह के हाथ में है, नुकसान अल्लाह के हाथ में है, सेहत अल्लाह के हाथ में है, बीमारी अल्लाह के हाथ में है, मालदारी अल्लाह के हाथ में है, गरीबी अल्लाह के हाथ में है, खुशी अल्लाह के हाथ में है, गमी अल्लाह के हाथ में है, मौत अल्लाह के हाथ में है, हयात अल्लाह के हाथ में है, चढ़ने वाली रात अल्लाह अल्लाह। इस ईमान के एतबार से मुतफक्किर होना यह सबसे बुनियादी चीज है। अल्लाह की बड़ाई का बोलना यह फर्ज़ है। अल्लाह को अल्लाह बड़े हैं, उनको बड़ा कहना, उनकी बड़ाई का बयान करना, उनकी तारीफ करना उनको पसंद है। जब बंदा अपनी जबान से ये कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ताला फरिश्तों में उस शख्स का तस्किरा करना शुरू कर देते हैं कि मेरे फरिश्तों, इसको पता है मैं बड़ा हूं, इसके कामों का बनाने वाला मैं हूं, ये इस चीज को तस्लीम कर रहा है। अल्लाह ताला फरिश्तों में बड़ाई बयान करने वालों का तस्किरा करते हैं। और देखें तो सही, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। हम जितने अफराद यहां जमा है, हर एक के दिली हालात और जायजा लिया जाए तो मुख्तलिफ हालात लिखे जाए, एक जैसे हालात किसी के मिलेंगे नहीं। आप में यह हाल है, मुझ पर यह हाल है, आप इस मसाइल के अंदर है, मैं इस मसाइल के अंदर हूं, हर एक दुनिया के अंदर हालात के अंदर घिरा हुआ। पड़ोस में बैठने वाले को खबर नहीं, मेरे हाल की खबर आपको नहीं, आपके हाल की खबर मुझको नहीं, यहां तक कि अल्लाह की सबसे पाकीज़ा मखलूक आपके फरिश्ते किस बंदे के दिल में क्या है वो फरिश्तों को भी खबर नहीं, लेकिन अल्लाह को हम सबके दिलों की खबर। अल्लाह को मालूम है मेरे बंदा के दिल में क्या है, वो मुझसे क्या कह रहा है और वो मुझसे क्या पूरा कराना चाहता है और उसका मुकालमा मुझसे क्या है वो अल्लाह को। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सब के लिए जरूरी है कि उनको खुश रखा जाए, उनको खुश रखा। एक बाप अगर एक बेटा अपने बाप को नाराज कर दे तो बहुत सारी चीजों में रुकावट आ जाती है। एक औलाद अपनी माँ को सताए तो बहुत सारी चीजों में कमी हो जाएगी, माँ खुश होगी सारे काम करते रहेगी, बाप खुश होगा सारे काम करता रहेगा, लेकिन जब ये नाराज हो गए तो फिर काम अटक जाए, काम अटक। आज मेरे जो काम अटके हैं उसकी बुनियादी वजह ये कि मैंने उनको नाराज कर दिया, उनको नाराज कर मेरे अमल से वो राजी नहीं है, वो नाराज है। उनको बनाना, उनको खुश करना, उनको राजी करना ये बुनियादी जिम्मेदारी है, ये बुनियादी जिम्मेदारी। अगर वो खुश ना हुए और वो राजी ना हुए तो दुनिया के अंदर भी चैन, सुकून, इत्मीनान, राहत सब छिन जाएगी और सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो आखिर। इसलिए मुझे अपने दिल पर हाथ रख के सोचना है कि मैं पूरे तरीके से अपने अल्लाह को खुश रख रहा हूं,
ऐसा कोई अमल तो मुझसे नहीं हो रहा कि जिससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो। 24 घंटे की जिंदगी के अंदर ये गौर मुझे अपने ऊपर करना पड़ेगा कि लम्हा लम्हा सेकंड सेकंड ऐसा कोई काम उससे सरजद तो नहीं हो रहा जिससे वो अपनी नजरें फेर ले। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन उनकी निगाहें सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा वो सब देख रहे हैं। लोग मेरे जाहिर को देखने वाले हैं और खालिक मेरे बातिन को देखने वाला है। लोग जाहिर को देख रहे हैं, बातिन उनके सामने नहीं है। खालिक की नजर जाहिर पर भी है और बातिन पर भी है कि अंदर क्या है। कर्ने अव्वल के अंदर सहाबा का जो जाहिर था वही बातिन था, जो जाहिर था वही बात। जाहिर तो इतना बिगड़ा हुआ था, इतना बिगड़ा हुआ था कि उनका घर देखें, उनके खाने देखें, उनके कपड़े देखें, उनकी सवारियां देखें कि कुछ। लेकिन बातिन अंदर से अपने आप को ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था कि जहां अल्लाह के सामने अड़ जाए अल्लाह ताला उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला। उसमें ताखीर बिल्कुल नहीं होती थी कि पेवन के कपड़ों के साथ पेट पत्थरों से बना है, कि पेट में पत्थर बने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, घर टूटा हुआ है, पांव में चप्पल नहीं है, कि जाहिर सारे नक्शे बिगड़े हुए लेकिन अंदर से अपने ऊपर ऐसी मेहनत थी अल्लाह को ऐसा खुश करा, ऐसा राजी करा कि हाथ उतरे थे और अल्लाह की मदद से उतर गए। बुनियादी चीज यही है कि इस मेहनत के मैदान के अंदर उतर कर अपने आप को अंदर से बनाया। असल बनना अंदर का होता है, असल बनना अंदर का होता है। बनने की बुनियाद ईमान की हकीकत है। अगर ईमान ईमानी अलामतों के साथ, ईमान हकीकत के साथ है तो इंसान बनता चला जाएगा, और अगर ईमान के अंदर ज़ौफ है तो फिर इंसान बन नहीं सकता। सहाबा इकराम ने बुनियादी तौर पर ईमान को मजबूत तरीके से पकड़ा था। इस ईमान के ऊपर बड़े बड़े हाल आए कि आप अपना ईमान दे दो, हम आपको अरब की आली बादशाहत देते हैं। आपने फरमाया कि अरब की आली बादशाहत क्या, सारी बादशाहत भी दे दो, जब भी हम पलक झपकने के बराबर अपने ईमान को नहीं छोड़ेंगे। ईमान को ये ईमान का मुकाबला किससे है कि दुनिया से, कि हम तुमको अरब का आदम उनको देते हैं। फरमाने लगे अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाहु ताला कि तुम आदि बादशाहत की क्या बात करते हो, अगर सारी बादशाहत भी दे दो साथियों को तब करो, सारी बादशाहत भी दे दो तो हम अपने ईमान को पलक झपकने के बराबर नहीं छोड़ेंगे। हम अपने ईमान को छोड़ दो कि अरब की बादशाहत, वहां ईमान ऐसा मजबूत था कि किसी चीज को, दुनिया में किसी चीज को अपने करीब आने नहीं देते कि नहीं हमारा ईमान का वो मियार जो अल्लाह को मकदूर है उस कोशिश और मेहनत में लगे हैं और दिन का दिन हम तरक्की कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे दिल से दुनिया रुखसत हो गई। दुनिया रुखसत हो गई, वहां ईमान था, ईमान हकीकत के साथ था तो दुनिया को ठोकर मारी जा रही थी। आज मेरा ईमान हकीकत से दूर है, हकीकत से दूर है तो दुनिया पर तरजीह है और दीन से बहुत दूरी है।
इंसान इस माल के अंदर लगकर और माल की मोहब्बत और माल की चाहत ऐसी पैदा हो गई कि इस माल की वजह से इंसान दीन से दूर होता चला जा रहा है और दीन हकीकत से दूर होता चला जा रहा है। दीन की शक्लें जाहिर हैं लेकिन दीन हकीकत से निकल गया। इस उम्मत की आजमाइश माल के अंदर कीचड़ में गिरा हुआ आदमी तो उठ सकता है और माल में गिरा हुआ आदमी नहीं। उम्मत की आजमाइश माल के अंदर आमदनी के रास्ते क्या है, आमदनी के रास्ते क्या है? अगर ये माल झूठ से सूद से वबन से किसी का कर्ज लेकर वापस न देने से किसी का हक मारने से एबदार चीज को एब न बताकर आगे बढ़ाने से पार्टनर को धोखा देने से अगर इन सारी चीजों से माल की आमद है तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये माल इंसान को हलाकत में डाल देता है। अगर एक मालिक मुलाजिम कहां पैदा नहीं कर रहा तो माल इसकी जिंदगी में इस माल के जरिए से बेबरकती पैदा होगी। एक मुलाजिम अपनी मुलाजमत के अंदर रहते हुए मालिक को धोखा दे रहा है तो इसकी ये मुलाजमत इसके माल के अंदर बरकत पैदा नहीं करेगी। बहुत ज्यादा होना इससे काम नहीं होंगे बल्कि माल में बरकत का होना इससे काम है, इससे काम है। क्योंकि मेरे दोस्तों बुजुर्गों बुनियादी चीज कि हम सब जितने यहां जमा हैं और जितने लोग बाहर हैं और सारी दुनिया असबाब के अंदर घिरी हुई, असबाब के अंदर घिरी हुई। कोई हमें से ऐसा नहीं कि कोई सबब में ना लगा, हम सब अपने समझते लगे। कोई ताजिर है, कोई काशकार है, कोई मुलाजिम है, कोई अहदेदार है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर एक। अब मुझे अपने ईमान को और अपने असबाब को देखना है। हमारी बात खबर तो जाती है, हमें अपने ईमान को और अपने सबक को देखना है। ईमान और सबक को जोड़ना है। यहां पता चलेगा कि हमारा ईमान हमारे मामला को सही रखा है या हमारा ईमान इतना जोर के अंदर आ गया है कि हमारे मामला बिगड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों बुजुर्गों लुकमा समंदर है तो ख्यालात उसके मोती हैं, जैसी गजा होगी वैसे ख्यालात होंगे। मेरा कपड़ा बहुत साफ, मेरा बदन साफ भी है और पाक भी है कि कपड़े का पाक होना बदन का पाक होना इन दो चीजों से ज्यादा जिस पर मुझे गौर करना है वो मेरा खून है। ये खून पाक है या खून नापाक हो गया। एक मशीन जो डीजल से चलती है उसके अंदर डीजल निकालकर अगर दूसरा आयल उसमें डाल दिया जाए तो वो मशीन काम नहीं करेगी। एक डीजल से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो इंजन पर पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों दुनिया की एक मशीन जो हाथों से बनाई गई अगर इसका आयल इसका तेल बदल जाए तो ये एसी खराब और ऐसी बिगड़ती है कि इसका दुरुस्त करना मुश्किल होता है और बड़ा बड़ा भारी नुकसान होता है। जो जिस्म अल्लाह की इबादत के लिए बना अगर इस जिस्म के अंदर जो चलने वाला खून है अगर ये नापाक हो गया तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों कैसे उम्मीद की जा सकती है कि बदन से कोई खैर के अमल निकल। इसलिए खून को पाक रखना सबसे बुनियादी बुनियादी और ये यकीनी बात है
जो हराम से बचना चाहेगा, जो शक व शुबा वाले माल से बचना चाहेगा, अल्लाह उसको जरूर बचाएगा, अल्लाह उसको जरूर बचाएगा। लोग कितनी ही कोशिश कर लें कि इसके पेट में हम हराम गिजा डाल दें, उनकी सारी कोशिशें फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जो तक्वा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसके मैदे के अंदर वो कुव्वत बख्शेंगे कि उसका मैदा किसी बाहर की ऐसी चीजों को लेने का रास्ता ही बंद हो जाएगा, ले ही नहीं सकता, अंदर होता रुक नहीं सकता। जो तक्वा मांगेगा, जो तक्वे पे चलेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। इसलिए बुनियादी चीज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तक्वे का कलमा है, कहानत की आमदनी के कहानत के आगे की चीजों को बताना कि हाथ देखकर किसी चीज को देखकर आगे की चीजें बता देना, कहानत की आदत कि मैं उनके यहां मजदूर था और मेरा वहां से गुजर हुआ और उन्होंने मुझे कुछ खाने की चीज दी जो मैंने आपके सामने पेश की, आपके बेटे ने कबूल नहीं किया। समझने की बात यह है कि अपने आप को ईमान की उस सतह पर लाना है, उस सतह पर लाना है कि पेड़ उस चीज को बर्दाश्त नहीं करे। अपने ईमान को सदे पे लाना है कि गैर पर नजर पड़कर इंसान बेचैन हो जाए। अपने कानों को, अपने ईमान को सदे पे लाना है कि गीबत सुनकर इंसान बेचैन हो जाए। अपने ईमान को सदे पे लाना है, उस सदे पे लाना है कि दीन के एतबार से कोई भी कमी हो और इंसान उसको बर्दाश्त न कर सके, उस सदमे पे लगे। ये सदा सहाबा इकराम को हासिल थी। एक चीज ये कभी नहीं कहना हम सबको कि वो सहाबा थे, हम सहाबा नहीं। ये ऐसा कड़वा जुमला है, ये ऐसे कड़वे अल्फाज है, अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो समुद्र जहर बन जाए। जहां अंबिया और सहाबा के वाकयात और उनकी गैबी नुसरतें और उस पर अल्लाह के जो वादे वो सामने आते हैं, तो सुनकर शैतान ये कहलवा देता है वो सहाबा थे। ऐसा कहने वाला के लिए, ऐसे कहने वाले के लिए जरूरी है कि वो तोबा कर ले, वो तोबा कर। ने लिखा है कि जिसके जुमले ये हो गए वो तोबा कर, कि उसने मियाद तय कर लिया कि नहीं, वो कुछ अलग कौम थी और हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से, लिहाजा हम वो नहीं करेंगे जो उन्होंने किया, हम उसकी कोशिश मेहनत नहीं करेंगे। हालांकि इंसान सहाबा के दर्जे को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन नकल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के नीचे से निकले और आपने उस दरख्त की टहनी मिलाई, आपके चलने वाले आपके साथ सहाबा जब उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल होने के बाद उस दरख्त के नीचे से गुजर हुआ, तो उन्होंने उस दरख्त की टहनी को हिलाया, पूछने वालों ने कहा और उनको मुतवज्जा किया, तुम ये नहीं पूछते क्यों हिलाया, कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दरख्त के नीचे से गुजरा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त की टहनी को हिलाया था। मैंने यह अमल इसलिए किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां ये नहीं था कि जो आप करेंगे वह हम नहीं, जो सहाबा ने किया वो ताबईन ने किया, जो ताबईन ने किया वो सब ताबईन ने किया। ये सिलसिला कयामत तक चलेगा, कयामत तक चलेगा।
तौबा करने के अल्लाह का हमने तह करी पानी पीते रहे और टेस्ट करते रहे यहां तक कि वो लुकमा पेट से भर गया। पेट से भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से आए, एक औरत ने आपकी दावत करी, एक औरत ने आपकी दावत करी, दावत के अंदर बकरी का गोश्त लाकर रखा गया, बकरी का गोश्त लाकर आपने उठाकर उसको अपने मुंह में रखा है तो वो इतना गर्रा हो गया, ऐसा पत्थर बन गया कि वो चपटा नहीं था। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि ये गोश्त कहां से आया है, कहां से आया? तो सूरत ने कहा कि ये बकरी मेरे शोहर ने जिस दामों में खरीदी थी मैंने उसी दामों में बेच दी, कि मैं पड़ोस से लेकर आई हूं, पड़ोस से ये सहाबिया पड़ोसी बहन से वो बकरी लेकर आई, उससे पूछा गया तो उसने ये कहा कि जो कीमत में मेरे शोहर बकरी लाए थे मैंने उस कीमत के अंदर इस बकरी को उन्हें दे दिया और उनकी इजाजत के बगैर दिया, उनकी इजाजत के बगैर। आप इसको देखते पेट के अंदर क्या जा रहा है, वहां उसका उसके शोहर की इजाजत के बगैर बेच देना ये कोई नाजायज हराम नहीं, लेकिन एक चीज इजाजत लिए बगैर बेच दी गई, उसने इतना असर दिखाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट के अंदर वो चीज नहीं जा रही। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो माल अगर किसी भी लाइन से उस माल के अंदर किसी भी लाइन से कमी है तो वो माल बताए तो सही कि वो माल हमारा क्या बनाए, क्या बनाए वहां को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जिनका तकवे का मियार बहुत ज्यादा, कि कोई ऐसी चीज अंदर लाते मुझे तो तैयार नहीं। समझने की बात यह है कि मुझे अब अपने ईमान को देखना है कि मेरे पेट में जाने वाली चीजें क्या है, किन रास्तों से किस जराए से आमदनी आ रही है और किस वजह से मेरा पेट कड़वे अव्वल के अंदर इसका बड़ा मामूल, इसका बड़ा मामूल। सहाबा तिजारत करते थे, एक सहाबी आए अल्लाह अकबर के पास कि जी मैंने दुकान शुरू करी है, मैंने दुकान शुरू करी है, आप दुकान के लिए दुआ कर दीजिए। आपने ये फरमाया कि तुमने इसका दीन सीखा कि सच्चा ताजिर अंबिया के साथ, सच्चा ताजिर अंबिया के साथ आप लेकर आए और मस्जिद के अंदर हल्का लगा था जिसमें तिजारत का दीन सिखाया जा रहा था, तिजारत का दीन सिखाया, वो तिजारत के दिन में क्या सिखाया जा रहा था, उस तिजारत के अंदर यह सिखाया जा रहा था कि सच्चा ताजिर अंबिया के साथ, उसकी वजह, उसकी वजह ये कि अपने माल को हराम से बचाए, माल को हराम से बचाए सिखाया जा रहा। और वहां ये जिम्मेदारी थी कि वह आवाम को लेते थे और उनको उसका दीन सिखाते थे, मसला ये हो गया तिजारत का बाप पढ़ा है औरमा नहीं और तिजारत कर रही है आवाम। मैं औरमा हूं, मैं अपने आप से भी कहता हूं और यहां इकराम मौजूद हो उनसे भी दरखास्त है कि तिजारत का बाप पढ़ा है हमने और तिजारत कर रही है आवाम, काश्तकारी का बाप पढ़ा है हमने और काश्तकारी कर रही है आवाम। पढ़ने वाले को पता है कि इसका हलाल क्या, इसका हराम क्या, इसका मकरूह क्या,
उन सवाल किस तरीके से आ गया तो उसका क्या बनेगा, तो उल्मा के जिम्मे है, क्योंकि उल्मा इकराम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन है और विरासत में हर एक उम्मती का हिस्सा है। एक एक फर्द के पास जाकर उसको उसका विरास का हिस्सा देना, ये उनके जिम्मे सबसे बुनियादी चीज है। कि जिसके जिम्मे विरास है उसको चाहिए कि ये विरास जल्दी दूसरों तक पहुंचे, ये सोचना कि मेरे पास विरास है जो चाहिए। अगर ये सोचा और देने वालों ने नहीं दिया और देने वाला सबकी विरास रखकर बैठ गया तो अल्लाह माफ करे, ये चीज खसारे में खसारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरी कौम से कहा और उनको जमा किया और उनसे जो कहा कि तुम अशरी कौम के पास जाओ और उनको दीन सिखाओ, और अगर तुमने उनको उनका दीन नहीं दिया तो मैं तुमको ऐसी सजा दूंगा कि सब देखेंगे और मैं इकराम और मैं सहाबा हरकत में आ जी है। वो सीखे कि नहीं वो नहीं, कि तुमको जाना है, तुमको जाना है। उलमा इकराम ने और भाई सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया आप हमको एक साल दे दीजिए, एक साल दे दीजिए, एक साल के अंदर हम इनको इस कौम को फकीह बना देंगे, यानी दीन की सारी बातें इनको समझा देंगे। इसलिए उलमा और अवाम ये आपस के अंदर ऐसा ताल्लुक हो कि अपनी जरूरत का दीन, सबसे बुनियादी दीन जो सबब है उसका दीन सीखना। ये मदीने की मस्जिद नबवी के अंदर ये हलका था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा के दरमियान एक मंडी के अंदर आपका जाना हुआ और मंडी में जाकर आपने गल्ले में हाथ डाला, गल्ले में हाथ डाला, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिम है और आपके सहाबा मुताल्लिम है, उलमा उस्ताद है, अवाम शागिर्द है, मामूर है, कि उस्ताद के जिम्मे है कि निगरानी करे। आप गए और गले में आपने हाथ डाला, गले से हाथ निकाला तो हाथ आपका गीला, आपने कहा ये क्या, उन सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी की वजह से अंदर पानी बैठ गया जिसकी वजह से अंदर नमी है और ऊपर का सूखा है। फरमाया ऐसा नहीं, बल्कि जिसमें ऐब आ गया उसको अलग करो और जो बेऐब है उसको अलग करो और उसकी कीमत अलग रखो, उसकी कीमत अलग अलग रखो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम उससे आखिरत में मिल नहीं सकते। आमदनी के रास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु खजूरें लाकर रखी, ए बिलाल ये इतनी उम्दा खजूरें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर जो अदरक खजूरें वो ले गया था चार सेर तकरीबन और वो मैंने देखा ये उम्दा किस्म की खजूरें दो सेर ले ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए बिलाल ये तो सूद है सूद, आपने सहाबा को बता रहे हैं गलत से बचा रहे हैं, क्योंकि सबसे बुनियादी चीज सबब के अंदर लगकर खून को पाक रखना ये सबसे बुनियादी चीज। आपने कहा ए बिलाल तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि तुम इस पुरानी खजूरों को बेच देते, अदरक खजूरों को बेच देते और बेचने के बाद जो रकम तुम्हारे पास आती उससे तुम खजूर खरीद लेते, तुमने ऐसा क्यों किया कि ज्यादा दी अदना और कम दी आला, ये सूद। आप दीन सिखा रहे हैं, आप दीन सिखा रहे हैं, इसलिए उलमा और अवाम एक दूसरे के लिए हाँ तो लाजिम है कि एक दूसरे के लिए लाजिम है कि अवाम सीखे और उलमा सिखाए, उलमा सिखाए। कर्म अव्वल के अंदर इसका बड़ा एहतमाम था, इसका बड़ा एहतमाम, तिजारत
कि सच्चा ताल्लुक कि अंबिया के साथ। अगर आप मुलाजिम हैं तो ये देखना है कि मुलाजिम का हक क्या है। ये मैं बुनियादी बात अर्ज कर रहा हूं कि हर मुलाजिम को सीखना चाहिए कि जी मैं कारोबार में जाता हूं और मैं मुलाजिम हूं, आप मुझे वो दीन सिखा। अगर मुलाजिम मुशरिकीन एक दुकान पर आए और कहने लगे कि तुम मालिक हो कि नहीं, हम मालिक नहीं है, कि नहीं तुम मालिक हो, कि नहीं हम मालिक नहीं, हम मुलाजिम हैं, तो इसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे तुम्हारी इस तिजारत के अंदर इतना इंतमाम, कोई चीज जाया होते हुए हमको नजर नहीं आ रही और तुम्हारी तिजारत का इतना इंतमाम, तुम्हारा ये दुकान, ये तुम्हारा बकाया, ये तुम्हारी दुकान ये इतनी साफ और सुथरी, तुम्हारा कोई सामान जाया नहीं हो रहा, ये मुलाजिम नहीं करते, ये तो मालिक करते। मुश्रिकीन कहने लगे कि हमारे मुलाजिम मुलाजिम हमारे मुलाजिम अलग नजर आ जाते हैं कि सारी चीजें जाया होती नजर आती हैं, ये चीजें तो हम अपने हाथ से दुरुस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मुलाजिम मुलाजमत के अंदर रहते हुए और मालिक की निगाहों से हटकर अगर खयानत करेगा तो वो अपनी रोजी को नापाक करेगा, रोजी को नापाक करेगा। हम कहा दोनों मुलाजिम है, हमें ये देखना है, ऐसा ना हो कि मालिक को देखकर हाथ पांव ज्यादा चलने लगे, हरकत आ गई और जहां मालिक की नजरें हटी वहां गफलत आ गई। ये बेबरकती का रास्ता है, ये रोजी पाक नहीं है, खराब नहीं कह रहा, नाजायज नहीं कह रहा, ये रोजी बरकत वाली नहीं, बेबरकत वाली है, बेबरकत वाली। और मोमिन के काम बरकत से होते हैं, बेबरकती से नहीं, बेबरकती से नहीं। कोई चीज जाया ना हो, आप मुलाजिम हैं तो किसी चीज के अंदर डंडी ना मारे, कोई चीज जाया ना, कोई चीज जाया ना। एक चीज ये थी, दूसरी चीज ये थी, दूसरी चीज ये थी कि अगर कोई मुलाजिम उनके जहन में ये था कि ये इसका मालिक मैं बनूं और मैं अपना कारोबार खुद करूं, तो वहां कारोबार की आमद पर, कारोबार की आमद पर ये बात बतला दी जाती थी कि जी मैं आपके यहां काम जो कर रहा हूं, मैं इसकी चाहत रखता हूं कि मैं काम अपना खुद का करूं। वहां ऐसा नहीं था कि काम सीखने के बाद, काम समझने के बाद देर रेंट की दुकान अलग बना के और बगैर बताए अपने काम को अलग कर लेना, यह बेबरकती का दरिया। जो लोग ऐसा करते हैं वो बेचारे चंद दिन उनकी दुकानें, उनके कारोबार, उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को जख्मी कर, किसी को जख्मी कर, किसी के ग्राहकों को काट कर अपने ग्राहक बनाकर उन्होंने देर रेट की दुकान अलग बनाई है, जो बेबरकती की उसकी बुनियाद ही बेबरकती से। आप कितने ही उसके अंदर कुरान खातियां करा ले, सूरह बकरा पढ़वा ले, सूरह यासीन पढ़वा ले और कितनी ही दुआएं आप लगा ले, तो बेबरकती होगी। तो ये सिखाया जा रहा था कि अगर तुम्हें कोई अपना काम करना है, हाँ, तो उससे पहले इत्तला हो और बताया जाए कि मैं अपना करना चाहता हूं और मैं आपके पास सीख रहा हूं, मैं आपके पास सीख रहा हूं, तो उसके बाद मैं अपना करूंगा। तो वहां यह था कि बारीक सी बात, अगर कोई पार्टनर होता था तो पार्टनर पार्टनर का ऐसा ख्याल करता था कि ऐसा लगता था कि भाई ये कोई पार्टनर नहीं बल्कि ये सब एक ही है, एक ही घर की दुकान है। हेलो उमर रजी अल्लाह तो पार्टनर थे, बड़ा एहतमाम था, बड़ा एहतमाम कि आप मस्जिद के अंदर रहते और जो कुछ आप सीखते आकर सिखा दिया करते थे, उसके बाद वो सहाबी मस्जिद जाते और जो सीखते थे वो आकर सिखा दिया, बड़ा एहतमाम। एक 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 गिरावट कारोबार के अंदर ये होती है कि पार्टनर पार्टनर को धोखा दे देता है, पार्टनर पार्टनर को धोखा देता है। वहां लोग सोचते हैं हमारा कारोबार
जो चलेगा वो फ्रेंड की दुकान हो, कार्नल की दुकान हो, मार्केट की दुकान हो, खाना भी करने अवल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। वहां दिल की सफाई थी, उस दिल की सफाई का असर ये हो रहा था कि रोजी और गिराक की आमद इतनी हुआ करती थी कि सहाबा अपनी दुकान से कहा करते थे गिराकों से, भाई देखो मैं आपको देखते देखते तो थक गया, वो सामने हमारे एक भाई की दुकान थी और आप जाकर सारे के सारे लोग जो है वहां चले जाओ, मैं देकर जो है इतनों को नहीं दे पाऊंगा। जो जो सामने पहुंचा रहा है वो मुशरिक था, उसने देखा कि ये सारे के सारे गिराक वहां से आ गए कि भाई क्यों आए, कि जी उन्होंने हमें पहुंचाया है कि जो माल मेरे पास भी है उनके पास भी। माल जब उसने ये सुना तो पहले कलमा पड़ा और बाद में सामान दिया। हालांकि गिराक सोचता है कि नहीं सब मैं आने हैं मेरी चले, जहां ये सोचा जाता है मार्केट में मेरी चले और किसी की ना चले, मेरा माल अच्छा और दूसरे का माल अच्छा, यहां अपने आप को खुद परेशानी और जिल्लत के अंदर डालता है। वहां ऐसा नहीं था, वहां तो दूसरों को तरजीह दी जाती थी, दूसरों को तरजीह दी जाती थी, ऐसा नहीं था, ग्राहक काटे नहीं जाते। अपनी चीज को अच्छा कहकर दूसरे की चीज को अपना कहकर नहीं बेचा जाता था, डरते थे। ये तालीम थी कर्म अव्वल के अंदर कि अगर कोई ग्राहक आया और आपने उसको वो चीज दी और देने के बाद ये कहा ये चीज सिर्फ यहां मिलती है, उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये चीज इतने की है और जगह महंगी मिलेगी, सिर्फ इसलिए कहना कि ग्राहक यहां से न जाए, ये झूठ का झूठ, झूठ की आमदनी के वो मुकरू कर देती है रोजी रोजी के सब। दूध का दूध की बड़ी हौज बनी है, किनारे पर एक बच्चा पेशाब का कतरा उसका गिर जाए और यूं कहा जाए कि भाई दूसरे कोने से दूध उठा लो, दूध निकाल लो, तो ये कहने वाले ही बेवकूफ। अगर झूठ अगर कारोबार के अंदर हो गया तो कारोबार सारा का सारा मुफलू हो गया और उसके असरात इबादत पर पड़ेंगे। इबादत बुनियादी बातें जो शुरू से मैंने अर्ज की वो ईमान हकीकत वाला, इसलिए सबक पे गौर करना पड़ेगा मुझे और आपको गौर करना पड़ेगा। बनी इसराइल के ईमान लाने के बाद हलाक हुए कि बनी इसराइल ईमान लिया है और उसके बाद उसमें से कुछ लोग फिर हलाक हुए। उनकी वजह यह थी कि उन्होंने कर्ज लिया था और उसने जामिन बनाया था कि इनको अदा करना है, उसके मरने के बाद वो कर्ज अदा नहीं किया गया, उसका भारी नुकसान ये हुआ कि फिर इंतकाल और बढ़ता दो। अब सोचे अब जिसका चाहे दबाने जो माल लिया और वो माल वादे से आगे बढ़ गया, माल लिया वादे से आगे बढ़ गया होने के बाद नहीं दिया, तो अब इसके यहां जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं। लोग अपनी बिल्डिंग उठाकर दूसरों की गिराते हैं। अगर मैंने किसी का कर्ज लिया और हैसियत होने के बाद अगर नहीं दे रहा तो मेरा कोई अमल अल्लाह के यहां काबिले कबूल नहीं, कोई अमल। पूछा गया कि अगर ऐसा किया तो क्या किस तरह अदा करें कि सदर पर अपना कपड़ा बाकी रखो और इतनी रोजी अपने पास रख लो जिससे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े और सब कुछ बेचकर कर्ज अदा करो, ये सबसे बड़ी बुनियादी चीज है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये तुम्हारा कर्ज तुम्हें हलाक कर डालेगा। क्यों? क्योंकि जिससे आपने कर्ज लिया और कर्ज नहीं दे रहा है हकूक वाली बात को आप जाया कर रहे हैं, हकूक वाली बात है। वो बंदा परेशान है, उसने आपको रकम दी है आपकी मजबूरी पर और आप नहीं दे रहे, जब हो जाएंगे देंगे, वो तो मालदार है हमको इतने से क्या होगा। ये सारी चीजें इंसान को तबाह बर्बाद करते हैं,
इसलिए डराया गया था कि कर्ज लो, वो कर्ज लिया गया दीन की निस्बत पर, अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कर्ज लिया गया कि लो। लेकिन अगर दुनिया के लिए कर्ज ले रहे हो तो डरो, डरो, जो वादा करो वो पूरा करो, जो वादा करो वो पूरा, वरना कर्ज मत लो। कर्ज लेकर मालदार बनने की कोशिश ना करो, अगर कर्ज लेकर मालदार बनोगे तो मालदार को नहीं बन पाओगे, कर्जदार बन जाओगे। कर्जदार यहां से कर ले, यहां से कर ले, यहां से कर ले, और कहीं से नहीं हो पाता तो फिर इंसान हलाक होता, परेशान। और सूदी, सूदी कारोबार, सूदी कारोबार में पड़ना ये अपने आप को हलाकत में डाल देगा। सूदी कारोबार करने वाला अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग का ऐलान करता है, जंग का ऐलान। आप देखो तो सही, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग का ऐलान करे, क्या वो बाकी रहेगा? बाकी नहीं हो सकता, वो तो हलाक हो ही गए, हलाक हो गए। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सूदी कारोबार करने वाला अल्लाह के घर ना जाए, अल्लाह के घर ना जाए, तोबा कर ले, क्योंकि अल्लाह के घर पर जाना सूदी कारोबार में पड़कर अपने ऊपर अल्लाह का अजाब उतारना है। पक्की बात आपके सामने आ चुकी है, सूदी कारोबार करने वाला, सूद से अपने माल को बढ़ाने वाला अल्लाह के घर ना जाए, क्योंकि वहां जाकर अल्लाह का गुस्सा बढ़ जाएगा। तू खाना काबे का तवाफ करेगा, तू सफा मरवा की सही करेगा, तू वहां हाथ फैला के मांगेगा, तू अल्लाह के पाकीजा, अल्लाह के घर के पाकीजा पर्दे को, उस चादर को पकड़कर अल्लाह से फरियाद करेगा, अल्लाह का गुस्सा भड़कता जाएगा, भड़कता जाएगा, भड़कता जाएगा, यहां तक के बस जमीन तुझे निगल ना जाए। अल्लाह का गुस्सा इतना है, इतना जिसका कोई अंदाजा नहीं, लोग समझते नहीं। सूद में पढ़कर चंद पैसे मदारिस में, मकातिब में, इनके कामों में, दावतों में सोचते हैं कि इस करने से वो चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये देखना है कि माल की आमद क्या है। अगर आप मालिक हैं तो आपके दिल में क्या है? तीन शख्स कार में दाखिल हुए, हर एक ने अपने माशरा अखलाक मामला रखा, एक ने अपने मामला, मालिक ने अपने मामला अल्लाह के सामने रखे कि अल्लाह मेरे यहाँ एक मजदूर था और अपनी मजदूरी छोड़ गया। जो मालिक लोग हैं ना, जो अपने मुलाजिमों की रोजियां रोकते हैं ना, ले लेना ले लेना, फिर इतना बोझ हो जाता है इन पर कि इनका देना मुश्किल हो जाता है। और लिखा यूं है कि पसीना सूखने से पहले रोजी उसके हाथ में देता, रोजी उसके हाथ में देता। यही रोजी वो छोड़ गया था, इन्होंने रोकी नहीं थी और उसकी रोजी को कारोबार में लगाया। जमाने उधर ने ये बात आया, बुला मेरी रोजी, उसने कहा कि ये तेरी रोजी से ये जानवरों का रेवड़ा। उसने कहा भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मजाक ना कर। कि नहीं मजाक नहीं है, तेरी रोजी को मैंने खाया नहीं, दबाया नहीं, बल्कि कारोबार में लगाया। ये सारा का सारा से ये अमल अल्लाह के सामने रखा, ए अल्लाह ये अमल तेरे लिए था, अल्लाह ने निकलने का रास्ता बनाया। इसलिए मालिक का दीन क्या है, मलाजिम का दीन क्या है, ये सच्चा ताजिर अंबिया के साथ। और उसकी बुनियादी चीज ये थी कि सहाबा तिजारत में उतरकर दावत को मुकद्दम रखते थे। कोई गिराब उनके पास आता तो वो दावत मुकद्दम रखते थे, लेन देन के बाद उसको अल्लाह से जोड़ते थे, अल्लाह से जोड़ते थे। तकाजे दुकानों पर दिए जाते थे। एक सहाबी की दुकान पर एक एक फर्द बाहर से आया, मुशरिक था। आपने कहा कि भाई तुम मस्जिद नबवी चले जाओ और वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, तुम उनसे मिलो और मैं तुम्हें आखिरत की ये खबरें सुनाता हूँ। जो खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सुनाई है वो लेन देन होने के बाद, लेन देन होने के बाद ये तरतीब आपने दी है। वो दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तकबाल किया और वो उन्होंने कदमों पर मिलता है कि कारोबार के अंदर
हर ग्राहक के आने आमद पर आप उससे लेन देन करने के बाद उसको नमाज की, उसको जिक्र की, कुरान की तिलावत की, उसके मस्जिद के अंदर पढ़ाई, यानी कुछ ना कुछ किसी ना किसी नस्बत से उसको अल्लाह से जोड़ा जाए। ऐसा काम हो कि आप बस लेन देन माल को बेचने को ही और खरीदने को ही काफी समझे, बल्कि यहाँ देखना है इस मैदान के अंदर दावत मुकद्दर। अगर हर ताजिर अपने सबक के अंदर रहकर दावत को मुकद्दम करे, दावत को मुकद्दम करे, तो उसका असर ये होगा कि उसके अंदर वो तिजारत उसको जोर में नहीं लाएगी, बल्कि वो तिजारत उसका मियार अल्लाह के यहाँ और मजबूत कर। वजह मेरी ये है कि मैं तिजारत के अंदर लेन देन को काफी समझता हूँ कि भाई मेरा माल बिक जाए तो इतना काफी है, नहीं बल्कि खरीदो फरोख्त के बाद उसको अल्लाह से जोड़ा जाए, उसको अल्लाह से जोड़ा जाए। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बुनियादी चीज कलमा इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तक्वे का कलमा है और ये बगैर मेहनत के हासिल नहीं है, बगैर मेहनत के हासिल नहीं। इसलिए सहाबा इकराम मस्जिद के अंदर जो फिक्रें वो फिक्रें घर में चाह रहे थे कि वो फिक्र हजरत रजी अल्लाह ने नहीं देखी तो बेचैन हो गए, और वही फिक्र हजरत की अपने कारोबार के अंदर हुआ करती थी, तो किसी भी लाइन से ये मजबूरी कमजोर नहीं थे बल्कि हर लाइन से मजबूत हो गए। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सब तय करें कि अपने अंदर वो मजबूती पैदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते का खुरूज है। ये दावत ये ऐसी जिम्मेदारी है, ये दावत ऐसा तकाजा है, नमाज ऐसा फरीजा है कि ना किसी पर डाला जाएगा ना मकसद डाला जाएगा। नमाज आपको अपनी जात से अदा करना पड़ेगी कि ना वक्त से इसको डाला जाएगा ना दूसरे पर डाला जाएगा। दावत ऐसा फरीजा है कि अपनी जात से अदा होगा। तिर्मिज़ी की रिवायत है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकियात, कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने याहिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को बैतुल मक़दिस के अंदर बिठाओ और पांच बातें सिखाओ, कि उनको तौहीद सिखाओ, उनको नमाज सिखाओ, उनको रोजा सिखाओ, उनको ज़कात सिखाओ, उनको जिक्र सिखाओ। ये हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। याहिया अलैहिस्सलाम को कुछ ताखीर हुई, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो काम अल्लाह ने आपके जिम्मे किया था वो मैं कर दूं, आपने फरमाया कि नहीं, अगर जो काम अल्लाह ने मेरे जिम्मे किया है मैं ना करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे अजाब देंगे और जमीन में धसा देंगे। आप सोचे दावत अपनी जात से पूरा करने का अमल है, इसको ना दूसरे पे डाला जाएगा ना इसको डाला जाएगा। इसलिए अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत ये बुनियादी चीज है। तमाम अलैहिस्सलाम की मुश्तरक मेहनत कि अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत, और निकलने का कोई मुताबादिल नहीं, इसका कोई बदल नहीं, इसका बदल। सहाबा के नजदीक अल्लाह के रास्ते में से रुक जाना गुनाह था, गुनाह। तबूक की वापसी पर मतलब काब रज़ी अल्लाह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके जब वहां से चले हैं तो उनसे कहा एक सहाबी ने कि इससे पहले तुमने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह के रास्ते में सर उजाना वो गुनाह। जो कुछ वाकियात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा के दरमियान हुए वो कयामत तक के लिए, कि आज निकलने वाला अगर ताखिर करेगा, वो इतनी ताखिर कर दे, वहां ताखिर अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु इस वजह से थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फिर जुमा पढ़ने को मिले ना मिले, इस वजह से ताखिर थी, दुनिया भी कोई तकाजा नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा, तुम तो इस जमात से 500 साल पीछे हो गए, वहां को निस्बत किस निस्बत पर के हुज़ूर के पीछे नमाज पढ़ना, आज मेरी दुकानें, मेरे कारोबार, मेरे घर के मसाइल, हर मसले का हल वो अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत के अंदर। तौबा की तकमील अल्लाह के रास्ते का खुरूज है। बनी इसराइल के अंदर वो शख्स जिसने 99 कत्ल कर दिए,
निन्यानवे कदर कर दी। भाई हमारी बात तवज्जो चाहती है, बस दुआ होने वाली है, ये समझना है कि निकलने को कि नहीं भाई, जब मौका मिलेगा निकलेंगे। निकलना ये सबसे बुनियादी चीज, ये निन्यानवे कदर कर दी है। अपनी जगह को छोड़कर जब चला है, एक आबिद के पास पहुंचा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो उम्मत में फिरेगा वही उम्मत के गम को ओढ़ेगा, जो उम्मत में नहीं फिरेगा उसके सामने उम्मत का गम क्या, और जिसके सामने गम नहीं होगा वो इस नकलो हरकत को एक बुजुर्गा समझकर, एक हल्का समझकर छोड़ देगा। निन्यानवे मदद कर दी, नहीं तेरी कोई माफी नहीं, उसने उसको भी निपटा दिया पूरे सो, लेकिन अंदर से बेचैनी। मुहाजिर, वहां से उसकी नजर हिजरत शुरू हो जाती है, जहां से वो अपनी नियत कर लेता है, नियत कर लेता आगे बढ़ा। एक दाई से मुलाकात हुई जिसके अंदर उम्मत का दर्द था, उसने रास्ता बता दिया कि तुम्हें यहां से इस बस्ती को छोड़ना पड़ेगा और यहां से आगे जाना होगा बदलने के लिए, इस बस्ती को छोड़ो। मुझे और आपको बदलने के लिए अपना कारोबार, अपनी घरेलू जिंदगी, अपना शहर, अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए मेरी हिजरत मुकम्मल हो और अल्लाह का कुर्ब मुझे मयस्सर हो, ये छोड़ना पड़ेगा। कि जब आगे चला है, आगे चलते ही वक्त पूरा हो गया था, रिस्क पूरा हो गया था, कि दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ गया। अब यहां जन्नत और जहन्नम के फरिश्ते अल्लाह ताला ने अंदर की नियत पर और अपने इलाके से, अपने घर से अल्लाह के नाम पर बढ़ने पर अल्लाह ताला ने फैसला बगैर किसी इबादत के जन्नत का कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों बिल्कुल तय करें, जिनके सालाना वक्त आगे पीछे हो गया, सबसे बुनियादी इस वक्त की जिम्मेदारी है कि भाई वो अपना सालाना वक्त पूरा करें, सालाना वक्त पूरा करें, ये काम हो जाए कि नहीं, सारे काम इस काम के जरिए से है। ये हम सबको समझना है कि ये सारे कामों का हद इस काम के अंदर, इस काम के अंदर। एक कंपनी का आदमी अगर किसी काम में जाता है तो सब ख्याल रखा जाता है, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खबर रखने वाला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुल्कों के तकाजे हैं, मुल्क के मुल्क, कई ऐसे मुल्क ब्राजील के, कितने लोग वहां इख्तलाफ के अंदर मुर्तद हो। एक इलाके में जमात गई, वहां एक शख्स से मुलाकात हुई, वो गले से लगकर रोने लगा कि आपने में आने में ताखिर की, आपकी ताखिर इतनी हुई कि मेरे दो खानदान बगैर करने के चले। मैं ये सोचूं कि जी चीजें होंगी तो मुल्कों का सफर किया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अंदर की नियत, अंदर की मजबूती इंसान को, हाँ, अंदर का दर्द, अंदर की कोड़न इंसान को पहुंचाएगी। माल कोई चीज, माल कोई चीज, माल कोई चीज, जो कुछ है अल्लाह के नाम पर लगाया जाए। अभी दूसरे साल में एक जमात गई, एक आलिम साहब उनकी घरवाली ने चादर बिछाई और सब कुछ जेवरात और जो कुछ चीजें थी वो सारी की सारी चीजें दी। एक साथी की तो घरवाली ने, हाँ ज्यादा उम्र के अंदर गए, अच्छी उम्र 63-70 साल है, तो घरवाली बीमार, वो बीमार रहते, तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं, घरवाली भी बीमार रहती, तो बाजार से दो कफन लाई, एक उनको पकड़ा दिया, एक अपने पास रखा। सर तो मुलाकात आप, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुल्क के मुल्क प्यासे हैं, तीन मरतबा चार महीने लगाने के बाद मुल्कों के अंदर और मुल्कों में अपनी जात के लिए जाते, अपनी जात के लिए। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, सबसे बड़ी मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि मैं अपनी जात को बनाने के लिए मुल्कों में फिरूं, जितना फिरेगा उतना उम्मत का दर्द पैदा होगा। सारा मजमा तय करे कि इंशाल्लाह हम मुल्कों में जाएंगे, इन साथियों के तीन मरतबा चार महीने लग जाएंगे, वो मुल्कों का इरादा करेंगे, इंशाल्लाह मैं तैयार। बताओ भाई, मेरा लिखिए 27 अप्रैल से तीसरे साल की जमात, रुकते हो गया इंग्लैंड, फ्रांस और ब्राजील, 27 अप्रैल को निजामुद्दीन की रवानी, जमात भी तैयार कर लिए गए जी। और बताएं बात में, और नियत इरादा कर, हाफिज रिजवान साहब बात कर,
वसीम भाई जी, आरिफ भाई, मोहम्मद आरिफ सर जी, और नियत करो, इरादा करो, ये सारा मजमा मुझको भी इरादा करो इंशाल्लाह। मुफ्ती दानिश साहब दूसरे साल के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। भैया अपने अपने हल्के के अंदर बैठकर इन सारी चीजों का, ये बातें जो हमने कही और सुनी, इनके तस्करे हो, करने अमल के अंदर ये दस्तूर था, ये मामूल था कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात अपने सहाबा से करते थे, वो हल्के लगा लगा कर उसको दोहराते थे कि ये बात आज ही और अभी से ही हमारी जिंदगी के अंदर आती। इसलिए तकाजे, चार चार महीने के तकाजे, जो इश्तिमे से जमाते निकलते थी 2000 जमाते, वो पूरी नहीं निकल पाई। अभी भी हमारे साथ से वो तकाजा हो कि हमारे किसी साथियों के नाम थे और हमने इतनी जमातों के असाइन किए थे, वो पूरे नहीं हुई है, उसको पूरा करना ही जल्द से जल्द। अल्लाह ताला आसान फरमाए, मदद करो। सुभान अल्लाह।